Yes, students, in this chapter we have continued up to First World War. We have completed the topic. Then Honest Satyagraha and Satyagraha according to Mahatma Gandhi, then Champaran and Gujarat Tea Satyagraha launched in the year 1916, 1917 and 1918. Then in 1919 he started Rowlatt Satyagraha against Rowlatt Act. What was this act? According to this act, police was given unlimited powers to arrest political prisoners without any trial for 2 years. So that was not justiciable. So that's why many Congress leaders in our country, they opposed this act or Rowlatt Act. So that's why Mahatma Gandhi, he started Rowlatt Satyagraha. 6th April 1919. Decided to call Hartal all over the country. And on 10th April in Amritsar, martial law was imposed. And 13th April, Jallianwala Bagh incident by General Dyer, we have discussed, clear? And now after Jallianwala Bagh incident, Mahatma Gandhi, he wanted to start a new broad-based movement. So that's why he wanted to unite Hindu and Muslims together. ठीक है, अब उनको एक ऐसी मूवमेंट चाहिए थी जिसमें लोग जो है वो पूरी कंट्री में पार्टिसिपेट करें. एंड सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम खिलाफत इशू, ठीक है, दैट वाज वेरी फेमस. क्या था ये? सबसे पहले आपको ये अलग से सेपरेट टॉपिक बताना होगा, उसके बाद हम बताएंगे कि इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ज्वाइन करने का मोटिव क्या था. ठीक है, पहले खिलाफत इशू क्या था? दिस खिलाफत इशू मीन्स खिलाफत का मतलब होता है खिलाफ, मीन्स अपोज. कौन खिलाफ थे? मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. किसके खिलाफ थे? ब्रिटिशर्स के. अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एंड टर्की वर ऑपोजिट साइड्स. टर्की वॉज अ डिफीटेड कंट्री, ब्रिटेन वॉज अ विक्टोरियस. एंड एट दैट टाइम इन टर्की विच डायनेस्टी, विच एम्पायर वॉज देयर? ऑटोमन एम्पायर. And the king of Ottoman Empire, Khalifa, the in the world, all over the Muslims, they considered themselves as their spiritual leader or spiritual guru. उनको वो अपना spiritual guru मानते थे. So at that time, like you have study about the Treaty of Versailles, harsh and humiliating treaties. When Germany, on Germany, it was imposed by the Britain and a very, you can say, winner countries. Same like in Germany, on Turkey also these harsh and humiliating terms were imposed by Britain. And so that's why in India all the Muslims, they turned against British rule. So Mahatma Gandhi ji, he took advantage of this you can say hatred in the minds of Muslim people. So that's why he wanted to join Hindu and Muslims in a combined movement. Aur isliye unhone kya kiya? खिलाफत इशू, यानी कि ये खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में. और किन्होंने बनाया था? अली ब्रदर्स. कौन थे अली ब्रदर्स? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने ऑल ओवर मुस्लिम, जितने भी इंडिया में कोई मुस्लिम्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1918 में कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी. ठीक है, और उसमें अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली मेन रिप्रेजेंटेटिव थे. महात्मा गांधी जी ने इनके साथ बातचीत की और एक अपनी मूवमेंट के बारे में, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया. देन दे एग्रीड. एंड उसके बाद जिसमें कहते हैं आईएनसी का सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, इसका हर साल सेशन होता था, मीटिंग होती थी. सेशन का मतलब होता है जिसमें पार्टी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ऑल ओवर द इंडिया, दे गैदर्ड एंड डिस्कस अबाउट द पॉलिसीज. तो ऐसे ही आईएनसी के हर बार सेशन होते थे. तो 1920 यानी कि 1920 में आईएनसी का सेशन बुलाया गया. पहले बुलाया गया सितंबर, सितंबर का कहां पे बुलाया? कैलकटा. ये याद रखना है क्योंकि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है. सितंबर का जो आईएनसी कांग्रेस सेशन था वो कहां पे हुआ था? कैलकटा. कौन सा ईयर? 1920. व्हाई दिस सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन दिस सेशन महात्मा गांधी जी, he discussed with the Ali brothers and with the other Congress leaders to join the movement that was Khilafat and non-cooperation. लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुस्लिम्स को अपने साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे. तो इसलिए सितंबर में उनका ये जो प्रपोजल था, ये इसको लार्ज स्केल वोटिंग जो है वो नहीं मिल पाई कांग्रेस लीडर्स की तरफ से.
सेम ईयर, आगे कभी नहीं ऐसा हुआ था एक सेशन, यानी कि एक ईयर में एक ही सेशन होता था. वट अगेन इन दिसंबर, ये भी अपने को याद रखना है, नागपुर कांग्रेस का फिर से सेशन हुआ 1920, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है. नागपुर में फिर से सेशन हुआ और इस सेशन में डिसीजन क्या लिया गया, टू यूनाइट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टूगेदर, ठीक है, दोनों को ज्वाइन किया. एंड इसके बाद जनवरी यानी कि नेक्स्ट मंथ 1921, तो अगर ईयर पूछा जाए व्हेन खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च और स्टार्टेड, तो आएगा 1921. लेकिन इससे पहले बेस कब से बन रहा था, 1920, बेस कौन से, आईएनसी सेशन, एक था सितंबर कलकत्ता और दूसरा था दिसंबर नागपुर. अल्टीमेटली इन सेशन का मेन मोटिव क्या था, टू ज्वाइन ऑल द हिंदू एंड मुस्लिम्स टुगेदर. एंड एट दैट टाइम बिकॉज मुस्लिम लीग वॉज देयर, मोहम्मद अली जिन्ना एंड मैनी मुस्लिम लीडर्स वर देयर. एंड रीजन क्या था उस टाइम पीरियड में, ऑल द मुस्लिम्स दे टर्न्ड अगेंस्ट विद द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स बिकॉज दे वर इम्प्लीमेंटिंग हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज ऑन टर्की. तो दिस वॉज अ रीजन, और इसका एडवांटेज महात्मा गांधी जी ने लिया ताकि अपनी कंट्री में एक यूनाइटेड लेवल के ऊपर जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की जाए. तो दैट वॉज खिलाफत इशू, इट इज क्लियर, क्लियर है, ठीक है. और अब इसके बाद नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें अब हमने बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अगर तो आता है सिंपल राइट अ नोट ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसमें आपने ये सारा पहले बताना है, ये हिस्ट्री बताओगे लेकिन पॉइंट्स में बताना, और उसके बाद फिर आपने बताना है पार्टिसिपेशन इन सिटीज. कीप रिमेंबर इन योर माइंड, अगर आपको पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट में क्या होता है, आपने पॉइंट्स में बताना, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने देनी ही देनी है. लेकिन अब मैं आपको जो करवा रही हूँ, नॉन कॉपरेशन इन टाउन्स और सिटीज कैसे स्प्रेड हुआ वो आपने बताना है, यानी कि इनको कंबाइन कर देना. लेकिन अगर आपको सेपरेट पूछा जाता है कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, तो आपने वो अलग से, फिर इसको ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर आपने सीधा बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हुई, फॉरेस्ट एरियाज में कैसे स्प्रेड हुई, असम में कैसे स्प्रेड हुई, ठीक है. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 खिलाफत, इसको आपने टू पार्ट्स, यानी कि एक आपने पढ़ना है टाउन्स या सिटीज और दूसरा आपने पढ़ना है कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब अदर देन सिटी, अदर देन सिटी मतलब विलेज एरिया, सराउंडिंग एरियाज, क्लियर, यस. अब सबसे पहले हम करेंगे टाउन्स एंड सिटीज पार्टिसिपेशन. टाउन्स एंड सिटी की पार्टिसिपेशन में क्या आएगा, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, यानी कि सिटी पीपल हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये आपका सेपरेट है, ये पूरा आपका 5 मार्क्स में अलग से पूछा जाएगा. कंट्री साइड में आपने बताना है हाउ द पीपल, लाइक इसमें कंट्री साइड में क्या क्या आपको वर्ड्स आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखो, पीजेंट्स, फार्मर्स, ट्राइबल्स, प्लांटेशन वर्कर्स. तो ये अगर वर्ड्स आएंगे, तो सपोज अगर कंट्री साइड नहीं भी पूछा जाएगा ना, सपोज आपको आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स इन नॉन कॉपरेशन, तो आपने ये सेपरेट पॉइंट बताना. इसमें आप टाउन्स एंड सिटीज का नहीं बताओगे, और जो अभी हमने डिस्कस किया है वो नहीं बताओगे. इसमें आपने सीधा बताना है कि पीजेंट्स एंड फार्मर्स. अगर आता है ट्राइबल्स का, तो आपने ट्राइबल्स के बारे में बताना है आंध्र प्रदेश. और अगर आपको आता है प्लांटेशन वर्कर्स, तो आपने बताना है असम. अब ये हिंट्स याद रखना साथ में. आपका जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का सैंपल पेपर, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के. एक में आपको पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन पूछी गई है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है. लॉन्ग क्वेश्चन देखो 5 मार्क्स का, उसमें आपको ट्राइबल्स की पूछी गई है, सिर्फ ट्राइबल्स. अगर सिर्फ ट्राइबल्स का है, ट्राइबल एरियाज, हमारी कंट्री के सभी ट्राइबल एरियाज तो हम नहीं बता सकते, तो हमने एक एग्जाम्पल बताएंगे ट्राइबल एरियाज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उनके ट्राइबल्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमने इसमें बताना है कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे किया, ठीक है. अगर आता है पीजेंट्स एंड फार्मर्स, तो भी हम सारी हमारी पूरी स्टेट को कवर नहीं कर सकते. हमने इसमें मेन जो स्टैंप में सबसे फेमस था वो था अवध किसान सभा, मेनली उत्तर प्रदेश, तो हमने वो इसमें बताना, ठीक है. तो अब ये सारे हिंट्स अपने माइंड में रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन नॉन कॉपरेशन ओनली इन टाउन्स एंड सिटीज. हमने अभी सिर्फ टाउन्स एंड सिटीज का करना है. तो इसमें सपोज आपको आता है राइट अ नोट ऑन कॉपरेशन मूवमेंट, या व्हाट डू यू नो अबाउट
खिलाफत इशू, तो इसमें आपने सारा बैकग्राउंड बताना है कि इसको स्टार्ट करने के पीछे मोटिव क्या था, कौन कौन से ईयर्स इंपॉर्टेंट थे, और उसके बाद आपने इसकी बतानी है पार्टिसिपेशन इन टाउन्स। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो हमने एक ईयर याद रखना 1909,